तो चलिए आरंभ करते हैं। जिंदगी की सीख देने वाली बात के साथ शुरुआत करते हुए श्री चाणक्य कहते हैं कि इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। बुद्धिमान व्यक्ति इसकी समझ रखता है, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को ही रत्न कहते हैं। जल और अन्न के बिना मनुष्य का जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है, और मधुर वचनों के बिना समाज में विचरण करना मुश्किल है। कटु वचन करने वाले का कोई भी आदर नहीं करता। मनुष्य यदि अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे अपने जीवन में उपयुक्त दुखों का सामना करना पड़ता है। धन, मित्र, स्त्री और पृथ्वी ये बार बार प्राप्त होते हैं, परंतु मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। इस श्लोक में श्री चाणक्य मानव के शरीर का महत्व बताते हैं। उनके अनुसार मानव शरीर 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत हमें प्राप्त हुआ है। यह अत्यंत दुर्लभ है, इसमें ईश्वर का स्मरण किया जा सकता है। आगे चाणक्य कहते हैं कि यह एक निश्चित तथ्य है कि बहुत से लोगों का समूह ही शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। जैसे वर्षा की धार को धारण करने वाले मेघों के जल को तिनकों के द्वारा तिनके से बना छप्पर ही रोक सकता है। भाव यह है कि एकता में बड़ा बल होता है, वह बड़ी से बड़ी शक्ति से टकरा सकता है। आगे समझाते हैं कि पानी में तेल, दुष्ट व्यक्तियों में गोपनीय बातें, उत्तम पात्र को दिया गया दान और बुद्धिमान के पास शास्त्र ज्ञान यदि थोड़ा भी हो तो वे स्वयं अपनी शक्ति से विस्तार पा जाते हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार पानी में डाला गया जरा सा तेल भी फैल जाता है, दुष्टों में पहुंची गोपनीय बातें चारों ओर फैल जाती है, और बुद्धिमान का थोड़ा सा भी शास्त्र ज्ञान काफी लोगों को प्रभुत्व करता है। ज्ञान का विस्तार इसी प्रकार होता है, अर्थात सभी चीजों का अपना अपना महत्व होता है। आगे बहुत ही बड़ी बात समझाते हैं कि धार्मिक कथा सुनने पर, शमशान में चिता को जलते देखकर, रोगी को कष्ट में पड़े देखकर जिस प्रकार वैराग्य भाव उत्पन्न होता है, वह यदि स्थिर रहे तो यह सांसारिक मोह माया व्यर्थ लगते हैं, परंतु अस्थिर मन शमशान से लौटने पर फिर से मोह माया में फंस जाता है। आगे समझाते हैं कि चिंता करने वाले व्यक्ति के मन में चिंता उत्पन्न होने के बाद की जो स्थिति होती है, अर्थात उसकी जैसी बुद्धि हो जाती है, वैसी बुद्धि यदि पहले से ही होती तो भला किसका भाग्योदय नहीं होता। यहाँ समझाया गया है कि गलत कार्य करने के उपरांत पश्चाताप के समय उसकी जैसी निर्मल बुद्धि हो जाती है, यदि वैसी निर्मल बुद्धि पहले से ही रही होती तो किसका भला या कल्याण नहीं होगा। आगे समझाते हैं कि दान, तपस्या, वीरता, ज्ञान, नम्रता, किसी में ऐसी विशेषताओं को देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे अनेक रत्न भरे पड़े हैं। समझाते हैं कि जो जिसके मन में है वह उससे दूर रहकर भी दूर नहीं है, और जो जिसके हृदय में नहीं है वह समीप रहते हुए भी दूर है। भाव यह है कि सच्चा प्रेम हृदय से होता है, उसमें दूरी का अथवा पास होने का कोई भी व्यवधान नहीं होता। सच्चे प्रेम में प्रिय हर समय आंखों के सम्मुख ही रहता है। आगे चाणक्य कूटनीति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि जिससे भी अपना हित साधना हो उसे सदैव प्रिय बोल बोलना चाहिए। जैसे मृग को मारने के लिए बहेलिया मीठे स्वर में गीत गाता जाता है, राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री इनसे सामान्य व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अत्यंत समीप होने पर ये नाश के कारण होते हैं और दूर रहने पर इनसे कोई फल प्राप्त नहीं होता। भाव यह है कि इनसे व्यवहार करते समय मध्यम मार्ग अपनाए, न नीम जैसे कड़वे और न गुड़ जैसे मीठे, ज्यादा दूरी भी नहीं और ज्यादा पास भी नहीं। आगे समझाते हैं कि अग्नि, पानी, स्त्रियां, मूर्ख, सांप और राजा कुल से निकट संबंध सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये 6 तत्काल प्राणों को हरने वाले होते हैं। समझाते हैं कि जिसके पास गुण है उसके पास धर्म है, वही जीवित है। गुण और धर्म से विहित व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। चाणक्य समझाते हैं कि यदि एक ही कर्म से समस्त संसार को वश में करना चाहते हो तो 15 मुखों से विचरण करने वाले मन को रुको, अर्थात उसे वश में करो। ये 15 मुख कौन कौन से हैं? ये है मुंह, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वक, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। यहाँ समझाते हैं कि यदि एक ही कर्म से सारे संसार को वश में करना चाहते हो तो पर निंदा करना बंद कर दो। मन को वश में करना और पर निंदा ना करना दोनों ही उचित लगते हैं। ऐसा करके आपके हाथों में वशीकरण मंत्र की शक्ति आ सकती है। आगे कहते हैं कि जो प्रस्ताव के योग्य बातों को प्रभाव के अनुसार, प्रिय कार्य को या वचन को और अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करना जानता है वही असली पंडित है, अर्थात प्रसंग अनुकूल बात करनी चाहिए। यदि प्रसन्नता का मौका है तो उसमें प्रसन्नता की बात होनी चाहिए। इसी तरह अन्य योग्यताओं का भी वर्णन किया है। आगे कहा है कि एक ही वस्तु को 3 दृष्टियों से देखा जा सकता है,
जैसे एक सुंदर स्त्री को एक योगी मृतक के रूप में देखता है, कामुक व्यक्ति उसे कामिनी के रूप में देखता है, और कुत्ते के द्वारा वह मांस के रूप में देखी जाती है। भाव यह है कि नारी की सौंदर्यता दृष्टि भ्रम मात्र है। प्रत्येक व्यक्ति हर चीज को अपनी अपनी दृष्टि से देखता है। आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अति शुद्ध दवा को, धर्म के रहस्य को, धर्म के दोष को, मैथुन अर्थात संभोग की बातों को, स्वादहीन भोजन को और अति कष्टकारी मृत्यु को किसी को न बताए। भाव यह है कि कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें समाज से छिपा कर रखना चाहिए। और आगे समझाते हैं कि दुष्टों का साथ त्यागो, सज्जनों का साथ करो, दिन रात धर्म का आचरण करो, और प्रतिदिन इस अनित्य संसार में नित्य परमात्मा के विषय में विचार करो, उसे याद करो। यहाँ पर समाप्ति होती है 14वें अध्याय की। अब हम आगे बढ़ते हैं 15वें अध्याय की ओर।